ईश्वर ने हमारे जीवन को एक सिक्के जैसा बनाया है। शांति और संघर्ष इसी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर जीवन हो या प्रकृति, दोनों में संतुलन बना रहना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है, अमृत है तो विष भी है, और देवता है तो दानव भी है। सृष्टि के आदिकाल में भी ऐसा ही एक दानव पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। उस नागरूपी दानव का नाम था काल नाग। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जो महाअमृत बाहर आया था, काल नाग ने उस पर अपनी काली नजर डाली। पर इससे पहले कि वो अमृत को पान कर लेता, देवताओं ने अपने श्राप से उसे पत्थर बना दिया और कहा कि उसे इस श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई आदि दैविक शक्ति जैसे कि नागमणि उसके संस्पर्श में आएगी। लाखों हजारों साल बाद आज भी यही माना जाता है कि काल नाग धरती के किसी कोने में छिप के इंतजार कर रहा है फिर से जीवित होने का, और इस पूरी दुनिया में दहशत मचाने का। पकड़ लिया। तू क्या बड़ बुरा सपना देखे चीज? हाँ मासे, और उसमें शौविक भी था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। अरे पागल लड़की, इतना टेंशन करिस ना। और तू भूल गई क्या, आज शौविक का जन्मदिन। ओके सरप्राइज भी तो दीते होवे ना कि? वो सब तो हो जाएगा, पर आज आप पहले ये डिसाइड कर लो आपको बंगाली में बात करनी है या इस टूटी फूटी हिंदी में। ओह खाली बदमाशी करता है, जल्दी उठ और तैयार हो जा। देख मैं शोभिक के लिए खीर झोले गलो, मेरा खीर झोले गलो, तेरे वजह से मेरा खीर झोले गलो। हे भगवान, हाय मैं क्या करूं। शोविक यार, छोटे शिवाली किसी ने भी विश नहीं किया रात को। कोई बात नहीं, फोन में तो विशेस बड़े बड़े होंगे, चेक कर लेता हूं। अरे मेरा फोन किधर गया? रात को तो तकिए के नीचे लेकर ही सोया था यार। कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया घर में? ब्रो छोटे, देखो तुम लोग जो भी हो ना मुझे छोड़ दो। अरे मुझे किडनैप करके तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। माना कि मेरे मम्मी पापा सिंगापुर के बहुत बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज हैं, बट बिलीव मी, उन लोगों को अपने बेटे की कोई भी फिक्र नहीं है। और मेरा छोटा भाई,
वो तो अपना पॉकेट मनी भी मेरे ही पॉकेट से चुराता है। खोल दो, मैं कह रहा हूँ तुम लोग मेरे से हाथ मिला लो, सब मिलके YouTube से ढेर सारा पैसा कमाएंगे। Happy birthday! Thank you. वैसे बोलो कैसा लगा हमारा सरप्राइज? ये बर्थडे सरप्राइज था। शुक्र मनाओ कि ये चाकू वाकू देख के मुझे हार्ट अटैक नहीं आ गया। बालाईशर। वैसे ये चाकू वाला पार्ट हमारा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई का प्लान था। अच्छा, वही मैं सोचूं कि इतना घटिया प्लान और बना भी कौन सकता। वैसे छोटे है किधर? वो पागल जरूर आज भी लेट कर रहा होगा, नालायक कहीं का। जब लड़खड़ाए कदम आके तूने हाथ मेरा थामा है हरदम। राहों में चाहे हो खुश आया हो गम, हर पल बढ़ता प्यार ये हो गाना कभी कम। अब आए मुश्किलें या गिले, दूर न होगी मंजिले, क्योंकि मेरे सुने दिल की तू गहरा बर्थडे ब्रो, आई लव यू। लव यू टू। ओ मेरी करण अर्जुन, जल्दी से केक काट लो, नहीं तो हमसे पहले ना मक्खी आकर केक खा जाएगी। चल। मैसेज किया है। अच्छा। वो बोल रही है कि वो अभी नहीं आ पाएगी, उसको कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है,
पर वो शाम को जरूर आएगी। अच्छा। और उसने कहा कि आपको उसका गिफ्ट दे देने के लिए। एक काम करते हैं ना, उसको वीडियो कॉल करते हैं। हाँ। अच्छा। आप अपने फोन से करो ना। ठीक करो। थैंक यू। पर तुम अभी तक आए क्यों नहीं? अरे ब्रो पूछो ही मत, मेरे ना एक फ्रेंड का पेट डॉग सडनली बीमार हो गया तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ चली गई समाज सेवा करने। तुम ना चुप रहो। तुम चुप रहो। अरे ये लोग फिर से शुरू हो गए। ब्रो उसके बाद छोड़ो तो, आप ना पहले मेरे गिफ्ट खोलो। ठीक है पकड़ना जरा। मणि कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हाँ अच्छा है, बट ये है क्या? मतलब बिल्कुल नागमणि जैसा ही तो दिखता है। हाँ, मैंने ना आपको एक दो बार नागमणि के बारे में बात करते हुए सुना था। आपने कहा था कि ये बहुत ही पावरफुल एंड पॉजिटिव चीज है। अब नागमणि तो मैं आपको नहीं गिफ्ट कर सकती थी तो यही दे दिया, क्या पता यही कभी काम आ जाए। थैंक यू। ओके ब्रो अब मैं रखती हूँ, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। चल ठीक है बाय। अब हम अपना गिफ्ट देंगे। देना। बहुत सुंदर है, पर मेरे लिए तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। ये तो मेरा प्यार और आशीर्वाद ही है बाबा। शिवाली अभी इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमारा होम डिलीवरी सर्विस बहुत अच्छा चल रहा है और मासी ने भी बहुत प्यार से तुम्हारे लिए लिया है। अगर तुम इसे पहनोगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। ये हमेशा पहन के रखना, ऐसे भोलेनाथ जी हमेशा तुम्हारा साथे थाकबेन। और हाँ शिवाली के साथ जाके भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी निये आज। अच्छा ठीक है। सबने तो अपने गिफ्ट्स दे दिए, अब तुम भी दे दो। क्या हो गया छोटे? वो ब्रो ये प्लानिंग के चक्कर में मैं आपके लिए गिफ्ट लाना ही भूल गया। भूल गया? हाँ सच में भूल गया। अरे ब्रो आप गिल्टी तो मत फील कराओ ना। तू सीरियसली भूल गया कि आज का सबसे पहला तोहफा तूने ही तो मुझे दिया है? कब दिया? आज तूने मेरे लिए जो गाना गाया उससे बड़ा कोई और गिफ्ट हो सकता है क्या? और तू शायद नहीं जानता पर मेरे लाइफ का सबसे प्यारा और कीमती तोहफा तू ही तो है। तुम दोनों का भाईचारा प्यार मोहब्बत हो गया तब हम चले। शिव जी के पास भी तो जाना है, अगर ज्यादा लेट करेंगे तो लौटते लौटते शाम हो जाएगी। चलो चलो। शिवाली हमासी जंगल के रास्ते जा भी एक गहना खोल के जा। हाँ सही कहा आपने, अक्सर ये गहने ही मुसीबतें लाते हैं। अब इन गहनों की क्या गलती? अगर आज किस्मत में मुसीबत आना लिखा ही है तो वो तो कैसे भी करके आके ही रहेगा। शुभ शुभ बोलो। बालाई सर आज के दिन ये सब नहीं बोलते। अच्छा ठीक है सॉरी चलो। अरे क्या कर रहे? आज इसे छोड़ो और इसे पकड़ो। क्या कर रहा है छोटे? मासी देख रही है। अरे हमारी मासी बहुत मॉडर्न है, सब समझती है। क्यों मासी? चलो चलो। तेरा ही हाथ पिया।
मेरे सनम तुझसे ही तो पूरे हम साथी मेरे मेरे सनम तुझसे ही तो पूरे हैं हम साथी मेरे मेरे सनम तुझसे ही तो हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आपने मुझे एक नागिन से इंसान बनने का आशीर्वाद दिया है, जिसकी वजह से मैंने अपने प्यार को भी पा लिया है। और आज मैं यहाँ आपके पास एक और आशीर्वाद मांगने आई हूँ। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज शौविक का जन्मदिन है और गंधर्व नक्षत्र का पहर। अच्छा? हाँ। मुझे भी पहले पता नहीं था कि आज ये नक्षत्र प्रकट होने वाला है। फिर जब मैंने आसमान में इसे देखा, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम गंधर्व नक्षत्र में जन्मे एक अनोखे इंसान हो, जिसको शिव जी ने एक खास मकसद को अंजाम देने के लिए भेजा है। मुझे जहाँ तक पता है, तुम भी तो एक गंधर्व वंशी नागिन थी ना? हाँ, इसीलिए शायद शिव जी ने हम दोनों को मिलाया है, ताकि हम वो मकसद साथ में पूरा कर सकें। वैसे तुम कुछ आशीर्वाद लेने की बात कर रही थी शायद। हे भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ शौविक को आज उसके जन्मदिन पर नागमणि का आशीर्वाद मिले। आप अपने इन भक्तों पर कृपा कीजिए और गंधर्व नक्षत्र के इस पहर में दया करके अपनी दिव्य नागमणि को प्रकट कीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। जय भोलेनाथ। शिवाली, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है? क्यों, जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है? ये शिव जी की धरोहर पवित्र नागमणि है, जिसकी रक्षा हमने अपनी जान पर खेल कर की है। नागमणि, 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 नागमणि। मुझे सब याद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जब चाहे अपने मतलब के लिए शिवजी से नागमणि मांग ले। तुम खामखा इतना ज्यादा सोच रहे हो। अगर इसमें शिवजी की अपनी मर्जी नहीं होती, तो वो हमें ये नागमणि कभी नहीं देते। फिलहाल तुम अपनी आंखें बंद करो। Shri Ramakrishna, 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 Shri
शिवाली क्या हो गया तुमको? पता नहीं, कुछ अजीब चीजें दिखने लगी, फिर चक्कर आ गया। यार पानी भी नहीं है, रुको मैं भर के लाता हूँ। शोभिक, शोभिक तुम अभी कहीं मत जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं शिव जी को ये नागमणि अर्पण कर देती हूँ, फिर घर चलते हैं। शिवाली तुम समझ नहीं रही हो, हम इतनी देर धूप में चल के आए हैं, इसीलिए तुम चक्कर खा के गिर गई। और अगर हम अभी घर चलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और तब तक अगर हमने वेट किया और तुम्हारी तबीयत और बिगड़ गई तो मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकती। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खोया है, अब अगर तुम्हें खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सब ख्याल अपने दिल में लाना भी मत, खुद भोलेनाथ जी ने हमें मिलाया है, इसीलिए अब मिलना बिछड़ना जीना मरना सब कुछ उन्हीं के हाथों में तो है। भोलेनाथ जी पे भरोसा रखो, मैं यूं गया और यूं आया। नहीं शौफिक, तुम चिंता मत करो ना। मुझे आप पे और आपके आशीर्वाद पे पूरा भरोसा है, पर आज अब मुझे बार बार ये जो संकेत दे रहे हो, इससे मुझे थोड़ी सी चिंता तो हो रही है। जो भी हो, अब बस हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना और हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देना। यार ये तालाब का पानी कितना गंदा है, पी तो नहीं सकते बट हाथ पैर धोने के काम आ जाएगा। अब मिनरल वाटर तो जंगल में मिलने से रहा। जय भोलेनाथ। शौविक, क्या हो गया है? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? शिवाली, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्दी से घर लौटना पड़ेगा। अरे क्या हो गया है ये तो बताओ। अभी कुछ बताने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से चलो। अच्छा रुको, चलो। मैंने तेरा माथा छू के तेरी सारी यादें भी ले ली, तो अब तेरे अपनों के लिए भी ये जानना नामुमकिन होगा कि मैं असल में शौविक नहीं, काल नाग थी। ये क्या? शौविक के छूने से मेरा नागरूप क्यों वापस आ रहा है? आज की रात यहीं पे रुक जाऊं, मेरे साथ अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर दे कालनाग, मैं इस दुनिया से तेरी हस्ती मिटा दूंगा। रुको बालक, कालनाग को हराने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।